टीवी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, यही सच है। आदाब नमस्ते, मैं जफर खान, आप देख रहे हैं जेड नाउ टीवी। आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके टोली चौकी में मौजूद सेवन टॉम्स रोड पर गोल्डन पैलेस फंक्शन हॉल में आईटा ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन शेखपेट मंडल के जानिब से बेस्ट टीचर अवार्ड और एसएससी ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया, जिसमें तकरीबन 40 स्कूल्स ने हिस्सा लिया और इन तमाम स्कूल्स के तकरीबन 600 से ज्यादा बच्चों ने वहां पर पहुंचा और इस प्रोग्राम में वहां आए हुए तमाम स्टूडेंट्स के लिए आईटा के जानिब से मोटिवेशनल स्पीकर्स को पेश किया गया, जहां बच्चों को ये बताया गया कि एसएससी के एग्जाम को किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और फिर एसएससी के बाद वो अपने फ्यूचर को किस तरह से संभाल सकते हैं। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैनी काजमी दारुल उलूम हैदराबाद ने भी पहुंचकर बच्चों से मुखातिब होते हुए दीनी और दुनियावी बातों से वाकिफ करवाया। कहा कि किस तरह से अपने माँ बाप की इज्जत करना चाहिए और अपने असातेजा और अपने उस्ताद की किस तरह से इज्जत करना चाहिए, फिर तालीम की जिंदगी में क्या अहमियत है, इन तमाम बातों से वाकिफ करवाया। मीडिया से बात करते हुए आईडा के जिम्मेदार जनाब हिदायत साहब, जनाब जमील साहब और दीगर ने तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आईटा ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से शेखपेट मंडल की तरफ से बेस्ट टीचर्स अवार्ड और एसएससी ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया गया है। माशाल्लाह से 40 स्कूल्स लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें ऑलमोस्ट 650 स्टूडेंट्स प्लस आए हैं और माशाल्लाह से सिंस मॉर्निंग काफ़ी स्पीकर्स ने मोटिवेट किया है बच्चों को मैथ्स, फिज़िक्स, इंग्लिश और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर्स अनवर साहब भी आए, इंडियन एयरफोर्स एक्स सर्विसमैन और ट्रेनर्स भी सैयद कलीम सर्टिफाइड ट्रेनर्स भी है और आईटा की पूरी हैदराबाद स्टेट टीम भी आई है और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की भी टीम आई है और माशाल्लाह से काफ़ी ताउन हमारे आईटा शेखपेट मंडल का रहा है। ये इट्स अ टीम वर्क और माशाल्लाह प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। बच्चों, ये जो मकसद हमारा जो था, क्योंकि अक्सर स्कूलों में एक अपन जैसे स्पीकर्स को है प्रोवाइड नहीं कर सकते, बुलाए भी तो मोटिवेशनल स्पीकर एक जस्ट 10 मिनट 15 मिनट के लिए आते, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, पूरे सब्जेक्ट्स के साथ साथ बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम के साथ साथ पूरे स्पीकर्स को बुला के, वी आर नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम एनी स्कूल फॉर अ सिंगल पेनी। एंटायर प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाई सेंट जोसेफ कॉलेज और हमारे सिराज सर का काफ़ी ताउन रहा, माशाल्लाह से प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। 40 स्कूल्स, ऐसे प्रोग्राम्स इंशाल्लाह हमेशा होते रहेंगे और काफ़ी प्रोग्राम्स इंशाल्लाह होंगे। स्कूल्स को देखिए, अक्सर आप पहले देखे होंगे एक और दूसरा स्कूल कभी नहीं मिलते थे, तो ये आईटा आने से, एसोसिएशन फॉर्म होने से, तो हर स्कूल लीडर जिसका हर एक का अपने अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ है, जैसा कि हमारे जमाल साहब है माशाल्लाह टैलेंट पार्क स्कूल के, तो टैलेंट पार्क और कॉरपोरेट लेवल के स्कूल्स और बजट स्कूल्स, लो बजट स्कूल्स, माशाल्लाह से पूरे एक आके अपनी कौम के लिए, स्पेशली अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। समझिए, ये प्रोग्राम्स को इनिशिएट करते हुए पूरी कोर कमेटी बैठ के इसको डिसाइड करते हुए इसको पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुल लेके चल। सो हियर द अल्टीमेट बेनिफिशियरीज आर आवर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। ये इसके लिए ऑलमोस्ट एक 20 डेज का राउंड्स रहते हैं सर। पहले हम कॉल फॉर करते हैं सबको, इंटरेस्टेड वालों को भी लेते हैं, फिर उनको काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद सबको मिलाते हैं और माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे मोटिवेट हुए हैं और माशाल्लाह इतने सारे बच्चों में से इंशाल्लाह 10/10 CGPA कैसा स्कोर करना, काफ़ी सारे चीज़ें बताई गई और बच्चे भी काफ़ी माशाल्लाह से, आप देखें प्रोग्राम कैसा रहा, माशाल्लाह इट वाज वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम, जज़ाकल्ला। आज ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आईटा शेखपेट मंडल ने एसएससी ओरिएंटेशन प्रोग्राम और बेस्ट टीचर्स अवार्ड और करेस्पॉन्डेंट अवार्ड का इनेखाद किया है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। माशाल्लाह से 40 से ज़्यादा स्कूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं और 40 स्कूलों के बच्चों को एमिनेंट स्पीकर्स ने मैथ्स के ऊपर टिप्स दिए हैं, साइंस के ऊपर टिप्स दिए हैं, अभी जो प्रोग्राम चल रहा है अंदर गोल सेटिंग के ऊपर, आगे क्या करना है फ्यूचर में उसके ऊपर स्पीचेस चल रहे हैं, उसके ऊपर बच्चों को टिप्स दिए गए हैं, प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सेंट जोसेफ ने हमारे साथ कॉपरेट किया और सेंट जोसेफ स्कूल ने, कॉलेज ने
इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में बहुत मदद की हमारी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल ये जो बच्चे 10th का एग्जाम लिख रहे हैं वो पूरे बेहतरीन मार्क्स से कामयाब होंगे और अपना किस्मत अपना तकदीर आगे बेहतरीन बनाएंगे। आईटा शेखपेट मंडल से हम सबको तहे दिल से मुबारकबाद भी देते हैं और बच्चों को कामयाबी के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। थैंक यू सो मच। आईटा इंडिया का जो है आईटा हैदराबाद में काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं। थोड़े दिन पहले आसिफ नगर मंडल में हुआ, अभी आने वाले दिनों में गोलकुंडा मंडल में नेक्स्ट वीक 3-4 दिन में होने वाला है। तो आईटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कौम के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, बेहतरी के लिए, उनके बच्चों की कौम के लिए, टीचर्स के लिए ये हम काम करते हैं और ये ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके उनकी बेहतरी डेवलपमेंट के लिए हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं। शेखपेट मंडल चूंकि नया फॉर्म हुआ है तो शेखपेट मंडल में बहुत पहली बार ये प्रोग्राम हुआ है शेखपेट मंडल का, जो बहुत कामयाब रहा। 40 स्कूल पहली बार एक जगह जमा हुए हैं और उनके बच्चे जमा हुए हैं, प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ऐसा होता है कि स्कूल का ऐसा मोड़ होता है बच्चों का SSC के बाद, जब वो कॉलेज में जाते हैं तो क्या पढ़ना है आगे, क्या नहीं पढ़ना है आगे, कौन से स्ट्रीम्स लेना है, क्या 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 कोर्सेस ज्वाइन करना है, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उसी की क्लैरिटी देने के लिए हम उसी से रिलेटेड एमिनेंट स्पीकर्स को बुला करके बच्चों के गाइडेंस के लिए स्पीचेस वगैरह देने लगाए हैं। यहाँ पे करियर काउंसलिंग के लोग भी बैठे हैं, जो अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहते हैं करियर काउंसलिंग की, वो भी आप उसके लिए इंतजाम किया गया है। तो ये मोड़ बहुत टर्निंग पॉइंट होता है बच्चों का, इसलिए उनको गाइड करने के लिए हम 10th के लिए रखे हैं SSC। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख नवीद बादशाह, सेक्रेटरी आईटा शेखपेट मंडल। ये हमारा जो 10th ग्रेड के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज रखे हैं, तो अक्सर जो है बच्चे एग्ज़ाम का फोबिया लेके जो है रहते हैं नो, तो इस वजह से मेनली ख़ास तौर से जो सब्जेक्ट जिसमें अपनी कौम के बच्चे उमूमन जो है वीक रहते, मसलन तेलुगु हो या मैथमेटिक्स फिज़िक्स, तो इसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स को लाए हैं और उससे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला बच्चों का। हर कदम पे जो है बच्चे रेस्पॉन्ड करे हैं, इससे महसूस हो रहा था कि जो है ये प्रोग्राम का अच्छा इम्पैक्ट हुआ है बच्चों के ऊपर और इंशाल्लाह इससे जो है उनके एग्जामिनेशन में फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो करियर गाइडेंस रखे हैं, ये 10th के बाद व्हाट नेक्स्ट, उमूमन बच्चे जो है 10th क्लास तक पूरे जो है अनगाइडेड नेक्स्ट 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 बोल के आ जाते हैं, लेकिन 10th के बाद उमूमन क्या रहता बोले तो जो है भाई कौन सा स्ट्रीम लेना, MBBS लिए तो ही सक्सेस, नहीं लिए तो फेल, ऐसी फीलिंग से अक्सर लोग जीते हैं। लेकिन यहाँ पे वजाहत की जा रही है कि जो है आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है। पैशन मेक्स यू सक्सेसफुल, नॉट व्हाट यू चूज, यू हैव टू चूज व्हाट इज़ योर पैशन। जो आपकी जो है जुनून है, जो सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है वही आप जो है लेना चाहिए, तो इंशाल्लाह उसमें आप एक्सेल हो सकते हैं। तो ये एक मैसेज बच्चों को दे रहे हैं, चाहे बच्चे कॉमर्स लेना चाह रहे हैं या फिर जो है बिजनेस लेना चाह रहे हैं या आप जो है MPC BPC जो रेगुलर है कोई भी लो, लेकिन एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग वी हैव गुड रिजल्ट्स एंड सक्सेस। ये मैसेज जो है हर बच्चे को पहुंचा है और ये स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लेना है उसकी भी वजाहत कर दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने भी बच्चे आए हैं, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि शेखपेट मंडल जिस मकसद से ये प्रोग्राम स्टार्ट करे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस मकसद में हम कामयाब रहे हैं। जैसा हमारे जमाल साहब बोले 40 के करीब स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन सब के बच्चे जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पे आके एक दूसरे का इंट्रैक्शन भी हुआ है, प्लस जो एक्सपर्ट स्पीकर्स हम रखे हैं उनसे उनको फ़ायदा भी हुआ है। जज़ाकअल्लाह बिखैर, अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और इंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल ZNOW TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook, Instagram पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए, ZNOW TV यही सच है।